दाती डोर थी, गर्दन काट गई। एक लम्हे के लिए खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या है। सफेद कपड़े सुरख हो रहे थे, खून बह रहा था, शरियाने बड़े बोर वाले पाइपों की तरह एक मिनट में कई लीटर खून जिस्म से बाहर निकाल चुकी थी। एक कार करीब से गुजरी, शायद किसी ने रुकने का कहा। कौन रुकता है, जाने वाला चला गया, खून बहना था बह गया। एक चादर से मुंह ढांप दिया गया, वो चादर भी सुरख हो गई। रंग तो जिंदगी होते हैं, रंग मौत भी होते हैं। फैसलाबाद में एक जवान की पतंगों वाली डोर से मौत हो गई। जाने वाले से ज्यादा दुख उन वालिदैन का है, पहले बच्चे को जन्म देना, फिर जवान करना, फिर उम्मीदें बांधना, उसकी एक आवाज से जी उठना, फिर बूढ़े कांधों पे उसका जनाजा दूर छोड़ आना। ये वो चीजें हैं जो वालिदैन को अंदर ही अंदर घिन की तरह खोखला कर देती हैं। लेकिन बाद में फिर वही मजम्मतें, हुकूमत की तरफ से नोटिस ले लिया गया, सख्त कार्रवाई की जाएगी, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। 76 साल तारीख में पाकिस्तान में कोई जहर आलूद पानी से मर गया, किसी को डाकुओं ने लूट लिया, किसी को पतंग की डोर ने काट दिया। क्या क्या मुसीबतें हैं जो हम पे नहीं आई। लेकिन खैर, तुम्हारा कौन सा कुछ लगता था। बसंत मनाओ, मौजे करो।